पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी महिला है जिसका चेहरा तो औरत का है लेकिन शरीर एक लोमड़ी का है। दूर दराज से लोग इस विचित्र प्राणी को देखने आते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आई है तब से इसकी चर्चा है और वो जोर पकड़ रही है। जैसे आप कराची के चिड़ियाघर में दाखिल होंगे आपको लाउडस्पीकर पर सुनाई देंगे कि आज अब आपके मुमताज महल देखने की अपील कर रहे हैं। इस इमारत में यह अजीब व गरीब जीव बैठी रहती है और इसे लोग मुमताज बेगम अफ्रीका वाली कहकर पुकारते हैं। इसे देखने के जो भी आता है उसका भविष्य बताती है और दिलचस्प बात यह है कि यह लोगों के अपनी कहानी भी बताती है। मेरा जन्म 35 साल पहले अफ्रीका में हुआ था और मैं खाने में केक, जूस और फल खाती हूँ। यह फॉक्स वूमन अलग अलग भाषा में लोगों से सवाल जवाब देती है। अगर आप तस्वीरों में गौर से देखेंगे तो जानिए इसमें दिख रहा है कि एक महिला नहीं बल्कि पुरुष है जिसमें चेहरे पर ढका है और सारा मेकअप पोता हुआ है। दरअसल ये फॉक्स वूमन असल में नहीं बल्कि महज एक किरदार है जिसे लोगों के मनोरंजन के लिए कराची के चिड़ियाघर में रखा गया है। लड़की के तख्ते के नीचे एक आदमी बैठा है जिसका सामान केवल चेहरा नजर आता है। चेहरे का मेकअप महिलाओं जैसा किया जाता है। इसके बाद रखा लोमड़े का शरीर निकली है, असली छुपाने के लिए हिजाब का बहुम इस्तेमाल किया जाता है। यमुना 24 की रिपोर्ट।